कृषि मोहन एक्सपेरिमेंट को कर दीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब। ये मैंने यहाँ पे कूट लिए हैं, आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे कूट कट के रखा है और सेंटीमीटर और लंबाई मैंने लिख दिया है। और मैंने एक मार्केट से परचेज किया है, एक डीसी बोर्ड का लाइट है, ये प्लग कर मैंने दोनों वायर को कनेक्ट कर देते हैं। लैपटॉप का बैटरी है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, 3 वोल्ट है, देखिए पूरा नहीं जल रहा है, मतलब बैटरी डिस्चार्ज है, हम दूसरा बैटरी ले रहे हैं। हमें प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में, देखिए फ्लैंट ये हमारा एलईडी जो है वो जलने लगा है, अच्छा रोशनी भी है, अच्छा बैकअप भी देता है। अब हम इसे एक सेफ में लगा दे रहे हैं, दो बार आप देख रहे हैं। ये मैंने एक मार्केट से परचेज किया है, ये आपको कोई इलेक्ट्रिक शॉप जहाँ पर रिपेयरिंग होता है वहाँ पे ये आपको मिल जाएगा, इसका कवर और ग्लास। फ्रेंड मैंने यहाँ पे ग्लू लगाने के लिए मैंने स्क्रू लगा, मैंने यहाँ पे स्क्रू लगाया है फ्रेंड। सारा स्क्रू टाइट हो गया। अब हम फेविकॉल लगा दे रहे हैं, ये 10 रुपये का है, एक 10 रुपये का आ जाएगा, जितना का परचेज कीजिएगा उतना का आ जाएगा। कॉर्नर पे हम लगा दे रहे हैं जो शीशा गिरे नहीं, अच्छे से कर लीजिएगा और थोड़ा सूखने दे दीजिएगा। फ्रेंड्स हमने चिपका लिया है, अब हम इसका बॉडी तैयार करेंगे। फ्रेंड्स हमारे पास ग्लू मशीन है, हम इसे चिपका दे रहे हैं। फ्रेंड्स ये जो ग्लू हॉट ग्लू मशीन है ये 300 का भी परचेज कर सकते हैं, मार्केट में मिल जाएगा इलेक्ट्रिक शॉप पे आपको भी। तो फ्रेंड्स हमारा ये जो बॉडी है जो तैयार हो चुका है, अब हम इसका वायरिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स हमने एक यूएसबी लिया, पुराने चार्जर जो होगा आपके पास, ये 1 मीटर का वायर है, इसे छील लेना है कटर की सहायता से, अच्छा वायर भी है, 5 रुपये का 1 मीटर देगा। आप कोई भी पुराना चार्जर या यूएसबी का हो उसमें हम 2 वायर कनेक्ट कर देंगे, नेगेटिव में नेगेटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव। हमने यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कनेक्ट कर दिए फ्रेंड। हम यहाँ पर सोल्डरिंग कर देते हैं जो वायर इसका टूटे ना।
हमने सोल्डरिंग भी कर दिए हैं, अब हम इसे टेपिंग कर लेंगे। अब हम इसका टेप कर ले रहे हैं फ्रेंड। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब। इमरजेंसी लाइट बना रहे हैं फ्रेंड्स, डीसी 5 वोल्ट विथ पावर बैंक। फ्रेंड्स हमने यूएसबी को अच्छे से टेपिंग कर लिया फ्रेंड, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स। अब हमारे पास एक यूएसबी पावर बैंक नहीं है, एडाप्टर में लगा दिए 5 वोल्ट है। अब हम इसका वोल्टेज चेक कर लेंगे फ्रेंड्स। हमें वायर कुछ छील लेना है फ्रेंड कटर की सहायता से। फ्रेंड्स हमने छील लिया है, हमें एक मल्टीमीटर लेना है हमको, उसको 20 पे सेट करना है, डीसी 20 वोल्ट पे सेट कर देना है। और हमें नेगेटिव में नेगेटिव और पॉजिटिव में पॉजिटिव, फ्रेंड्स हमारा 5.5 वोल्ट आ रहा है डीसी। चलिए मीटर को सेट करते हैं फ्रेंड्स। अब हम इसे छुड़ा देते हैं, हमारा जो लाइट है अब हम उसमें स्विच लगाएंगे फ्रेंड्स। ये एसी में भी काम करता है और डीसी में भी काम करता है फ्रेंड्स। मैंने एक यहाँ पर होल किया है, हम स्विच को उसमें फिट कर देंगे फ्रेंड्स। अब हम इसे ग्लू लगा देंगे, हमारे पास फेविकॉल है, हम इस फेविकॉल से इसको कनेक्ट लगा देने जो हिले डुले ना फ्रेंड्स। ये फेविकॉल थोड़ा जम गया है, कपर भी काम कर रहा है फ्रेंड। चारों साइड थोड़ा थोड़ा लगा देना है जो अंदर स्विच न जाए और टूटे उटे ना फ्रेंड्स। आराम से इसमें फिट कर देना है। अब हम इसमें सोल्डरिंग करके वायर का कनेक्ट कर दे रहे हैं स्विच से फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारे पास ये दो ब्लैक वायर है और एक रेड वायर है। हम इसमें ब्लैक वायर कट कर दे रहे हैं और इसको छील के स्विच में कनेक्ट कर देंगे फ्रेंड। स्विच में दो ही टर्मिनल रहते हैं एक बार कनेक्ट कर दीजिए। सोल्डरिंग से कनेक्ट हो गया है, स्विच से एक बार ब्लैक वायर कनेक्ट कर दिए हैं। अब हमें एक यूएसबी का भी कनेक्ट कर देना है। देख रहे हैं फ्रेंड हम यहाँ पे एक टर्मिनल पे सोल्डरिंग कर दिए हैं फ्रेंड, और दूसरे टर्मिनल पे हम सोल्डरिंग कर देंगे। ये यूएसबी में हम वायर लगाए थे उसी में हम सोल्डरिंग कर देंगे दूसरे टर्मिनल पे। दूसरे टर्मिनल पे सोल्डरिंग कर दिए फ्रेंड। अब हम इसे ये नेगेटिव में नेगेटिव पॉजिटिव में पॉजिटिव को ये जो दो वायर बचे हैं उसमें आपस में कनेक्ट कर देंगे फ्रेंड। कटर की सहायता से छील लीजिए फ्रेंड। फ्रेंड्स तो हमने छील लिए हैं वायर को, अब हम दोनों वायर में कनेक्ट कर देंगे आपस में दोनों को। आपस में दोनों को कनेक्ट करके हम टेपिंग कर देंगे फ्रेंड दोनों को, जो आप कभी छूटे ना, या फिर सोल्डरिंग भी कर सकते हैं, आपको जैसा हो वैसा ही कीजिए। अब हम यहाँ पे टेपिंग करेंगे फ्रेंड। तो हम टेप ले रहे हैं, कोई सा भी ले सकते हो। फ्रेंड्स
तो हमने यहाँ पे टेपिंग कर लिया है, आप देख पा रहे हैं अपने मोबाइल पे। हम एक टेस्टर की मदद से एक यहाँ पे होल कर लेंगे जिससे वायर हमारा बाहर आ सकेगा। फ्रेंड्स अब हम वायर को बाहर निकाल लेंगे और इसका ये जो हमारा बॉडी तैयार किए हैं उसका बैक कवर लगा के इसको रेडी कर देंगे, तब ये हमारा जो इमरजेंसी लाइट है वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। तो चलिए इसका बैक कवर भी लगा देते हैं। तो हमने इसका बैक कवर भी लगा दिया है। फ्रेंड्स हम एक यहाँ पे स्क्रू ले रहे हैं टाइट करने के लिए। फ्रेंड्स आप स्क्रू को कर लीजिए टाइट। अब हम यहाँ पर लगाएंगे फेविकल। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे फेविकल का डब्बा ले लिया है, छोटा सा छोटा पैकेट। अब हम यहाँ पे इसको चिपका देंगे आपस में। तो फ्रेंड्स हमने चिपका दिया है बैक कवर को। अब हम इसका बैक कवर लगाएंगे। इसको थोड़ा लुक देने के लिए फ्रेंड्स हमने इस वीडियो को फास्ट किया है क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाता है, इसी द्वारा फास्ट फॉरवर्ड करके रखा फ्रेंड्स। हमने इसका स्क्रैप पेपर ले लिया फ्रेंड्स, ये आपको 5-6 का आएगा, पर कोई बुक शॉप से ले लीजिएगा फ्रेंड्स जो अच्छा लगे। तो हमने इसको लुक देने के लिए फ्रेंड्स मैंने कलरफुल पेपर का यूज किया है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स हमारा ये कलरफुल पेपर है, उसको आराम से लगा लेना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने कनेक्ट कर लिया है अच्छे से, कॉर्नर पर टिप भी मार दिया फ्रेंड्स। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड, अभी हमारा बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में फ्रेंड्स। तो चलिए इसका टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो फ्रेंड्स देखिए हमारा ये जो इमरजेंसी लाइट बना है विद पावर बैंक से, ये जो है हमारा सक्सेस हुआ। तो फ्रेंड्स वीडियो को कर दीजिए लाइक। फ्रेंड्स देख रहे हैं आप कितना इसका अच्छा लाइट भी है, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है ऑन ऑफ करने के लिए फ्रेंड, अच्छा रोशनी देता है फ्रेंड। तो वीडियो को कर लीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब।